कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ममता बनर्जी को क्यों आया गुस्सा? आखिर कर्नाटक के डीजीपी पर क्यों भड़की ममता बनर्जी? कर्नाटक में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भले ही विपक्ष के तमाम नेताओं की एकजुटता देखने को मिली, लेकिन इस दौरान की एक ऐसी भी तस्वीर सामने आई जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। इस वीडियो में ममता बनर्जी कर्नाटक के डीजीपी पर भड़कती नजर आ रही हैं। दरअसल ये वीडियो पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और राज्य की डीजीपी नीलामणि राजू के बीच हुई बातचीत का है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में ममता बनर्जी जिस आईपीएस अधिकारी पर चिल्लाती दिख रही हैं, वो कर्नाटक पुलिस की डीजीपी नीलामणि राजू हैं। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आई ममता डीजीपी नीलामणि राजू से किसी बात को लेकर नाराज थी। इसी दौरान समारोह में जाते वक्त उन्होंने डीजीपी को सार्वजनिक रूप से डांटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, डीजीपी के मौके से जाने के बाद उन्होंने राज्य के नवनिर्वाचित सीएम एचडी कुमारस्वामी और जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा से इसकी शिकायत भी की। सूत्रों का कहना है कि ममता बनर्जी समारोह स्थल तक पैदल जाने की बात से नाराज थीं, जिसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से पुलिस अधिकारी को डांटना शुरू कर दिया। हालांकि डीजीपी की ओर से अब तक इस बारे में कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इस पूरे वाक्य के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग ममता बनर्जी की आलोचना कर रहे हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी विपक्षी पार्टियों के तमाम नेताओं के साथ कर्नाटक के नए सीएम एचडी कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पहुंची थी। इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्यपाल वजूभाई वाला ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में कुमारस्वामी और उप मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस नेता जी परमेश्वर को शपथ दिलाई। कर्नाटक के इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ममता बनर्जी के अलावा तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।